नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सदकी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को लेंगे सर्वदलीय बैठक। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेताओं को भेजा बुलावा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 साल बाद फिर हलचल। बड़ी खबर दिल्ली से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को लेंगे सर्वदलीय बैठक। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेताओं को बुलावा भेजा गया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 साल बाद फिर हलचल। तो जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेताओं को बुलावा भेजा। तो इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर गीत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीत दीक्षित जी, जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल। देखिए, हम सबसे बड़ी बात है कि एक तो कोरोना संक्रमण काल और दूसरा कश्मीर में चुनाव की आमद और उसके बाद लगभग लंबे अरसे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी दलों के साथ यह बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें लगभग 14 से 15 दलों के नेताओं को बुलाया गया है, सबको टेलीफोनिक सूचना पहुंच चुकी है और 24 तारीख को इस होने वाली बैठक में कई मामलों में जो महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद तो होगा, सुझावों पर भी बात होगी। प्रधानमंत्री सारे मुद्दों पर एक साथ बात करेंगे, यही एक सबसे बड़ी इस बैठक की सफलता होगी। साथ ही चूंकि अगर देखें आप, तो जिस तरह से कश्मीर में सियासत को लेकर लगातार बात चल रही थी और जिस तरह से कश्मीर में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण रखी, इस मसले पर भी बातचीत हो सकती है। इसमें सबसे बड़ी बात है, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, ऐसे तमाम बड़े नेताओं ने इसमें अपनी स्वीकृति दे दी है और ये वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री निवास पर हो, सॉरी वर्चुअली तो नहीं होगी, प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक होनी है। बिल्कुल, चले गीत दीक्षित जी, एक सवाल और आपसे यहाँ पे करना चाहेंगे। जिस तरीके से अगर हम 370 की बात करें तो ये जो खत्म हुआ था, ये अगस्त 2019 में खत्म हुआ था, तो क्या एजेंडा पूर्ण राज्य जैसे मुद्दों पर, क्या इस जो बातचीत होनी है, क्या ये संभव है कि इन मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है? देखिए, हम केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं उनको और कितना आत्मनिर्भर बनाना है, उनको क्या प्रगति के रास्ते हो सकते हैं, इनको लेकर ये संवाद होगा और कहीं ना कहीं केंद्र शासित प्रदेशों को उसमें कितनी मजबूती दी जाए इसको लेकर प्रधानमंत्री सारे बड़े नेताओं से संवाद करेंगे। दूसरा अपना कोई एजेंडा उनके सामने रख सकते हैं। जी चलें, बहुत शुक्रिया गीत दीक्षित जी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को सभी पार्टियों के साथ बैठक करेंगे। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला समेत 14 नेताओं को बुलावा भेजा।